हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड विट्टू में। तो यहाँ पे आपको ब्लॉग में कुछ नया देखने को मिलेगा। तो नई नई जगह है और यहाँ पे हम लोग आए भी बहुत दिनों के बाद हैं, यानी बाने को लेकर तो इस जगह में हम पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो जगह है यहाँ पर मेरे ताऊ जी के घर हैं। तो मैं गई हुई थी अपने ताऊ के घर क्योंकि हमें देना था भाई की शादी का न्योता। तो ये है मेरे ताऊ का बेटा। तो हम लोग इनके घर में गए थे, दिन दिन में गए थे और फिर शाम जैसे में वापस भी आ गए थे क्योंकि बहुत दूर था। और फिर बाने को आदत भी नहीं है इतनी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि बच्चा जब नई जगह जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा रोता भी है। तो इसलिए हम लोग गए हुए थे शादी का न्योता देने और फिर न्योता दे के वापस घर को आ भी गए थे। सुबह हो गई है और आप लोगों ने देखा कि बच्चे स्कूल चले गए हैं और यहाँ पे देख लीजिए सभी जो यात्री हैं वो भी अपने अपने काम से चले गए हैं बस में। तो बाने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। आप लोगों को पता है कि हमारा घर जो है सड़क के पास ही है, तो बाने बहुत जल्दी से बाहर निकल जाती है, इसलिए हम लोग अक्सर गेट बंद ही रखते हैं। बाकी शादी में अब 5-7 दिन ही बाकी रह गए हैं। तो यहाँ पे बानू के पापा काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो है टीन में जौ लगाएंगे और फिर ये जौ जो है बहुत ज़्यादा काम आएंगे। जब भी शादी वगैरह में तोरण वगैरह लगाना होता है तो फिर इसी में हम लोग तोरण भी लगाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये हम लोग एक्टिविटी करेंगे। तो ये मम्मी ने टीन लिया हुआ है और टीन में जो है मिट्टी भरी हुई है। तो मम्मी और बानू के पापा जो है काम पे लगे हुए हैं। आप लोगों ने जौ तो देखी ही होंगे। तो टीन को पूरा का पूरा मिट्टी से भरना है और जौ के दानों को जो है हम लोगों ने टीन में बो देना है। नीचे वाली मंजिल में हम लोगों ने ये टीन रखे हुए हैं और साइड में जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है इसी तरह से ये जौ भी टीन में उगेंगे जैसे इस गमले में उगे हुए हैं। तो इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस अगर आप लोगों ने देखनी होगी तो मैं अगले वाले नेक्स्ट वाले ब्लॉग में डाल दूंगी। शादी का काम भी सिर पर है और जो गेहूं की कटाई का काम है वो भी हमारे सिर के ऊपर है। तो लगभग लगभग सारे ही काम लगे हुए हैं एक साथ। तो हम लोगों ने जो है अपनी गेहूं भी थ्रेसर में लेके जानी है, तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी से गेहूं की कटाई कर ली है, उसको धूप में अच्छी तरह से सुखाया भी है। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि अकेले ही ये सब किया हुआ है, तो हमने एक दो लेडीज़ भी लगाई हुई थी, तो इन लेडीज़ ने भी हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। रा इवनिंग का टाइम और मम्मी पापा प्रियंका गए हुए हैं नीचे में और मुझे अभी अभी प्रियंका की कॉल आई कि आज हमारा थ्रेसर पे नंबर पड़ जाएगा। तो लेकिन जो गेहूं की थ्रेसिंग का जो हमें टाइम मिला है वो मिला है रात का। तो अभी प्रियंका मम्मी और पापा सुखा रहे हैं पूरी पूरी कनक को, जितनी भी हमारी कनक है हमने काटी हुई है अपने खेतों से, तो सारी सारी सुखाएँगे अच्छे से। तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि वो लेट ही आएँगे क्योंकि रात का टाइम मिला हुआ है, तो फिर खाना खाने के बाद हम फिर से मतलब नीचे को ही चले जाएंगे अपने गांव वाले घर में क्योंकि थ्रेसिंग करनी है हमने रात को। और हम भी चाहते हैं कि ये खेतों के काम से जल्दी जल्दी हमें भी छुटकारा मिले और जो शादी का इम्पोर्टेंट काम है वो हम अच्छे से निभा पाएँ, क्योंकि फिर खेतों के काम के साथ साथ मतलब दोनों साइड के काम को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो खैर, यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है और मैं बना रहा हूँ सब्जी। मैंने दिखा दी आप लोगों को, देख लिया आप लोगों ने, ये आलू है, मटर है, गोभी है, तो मिक्स वेज में बना रहा हूँ। तो हालांकि मैं किचन के काम में उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन पता ही है कि जब इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया है पूरी फैमिली पे तो सभी को मिलजुल कर मतलब कुछ ना कुछ काम करना चाहिए और कुछ ना कुछ अपने कंधों पर भार लेना चाहिए। तो अभी जैसे पूरे पूरे फैमिली मेम्बर्स गए हुए हैं नीचे गाँव में, तो वो बिज़ी हैं फसल के काम से और बाणी को मैं छोड़ के आ गया हूँ पड़ोसियों के पास। तो मैं सोच रहा हूँ तब तक मैं
जो खाना बनाना वगैरह है वो कंप्लीट कर दूंगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये अभी आटा गूंथ रहा हूँ मैं। तो मुझे पता है कुछ सब्सक्राइबर पॉजिटिव कमेंट भी करेंगे, कुछ नेगेटिव भी करेंगे, लेकिन भैया जब मतलब आपके कंधों के ऊपर जिम्मेवारियाँ पड़ेंगी तो ये काम अपने आप होना स्टार्ट हो जाते हैं, यही मैं बोल सकता हूँ इन शॉर्ट। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर देता हूँ। एक तो गर्मी भी बहुत लग रही है क्योंकि चूल्हे के पास प्रियंका पता नहीं कैसे खाना बनाती है, सच्ची में बहुत ज़्यादा गर्मी हीट मतलब यहाँ पे लगती है। और आज वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा साफ था, क्लियर था एकदम, कड़ी धूप निकली हुई थी। तो चलिए अब मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ ये, और सब्जी भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसी सब्जी बनी है सबके हाथ। अब आटा गूंद के चपातियाँ भी बना लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो फाइनली ये आटा गूंद के मैंने तैयार कर दिया है अब चपातियाँ बनाने के लिए। तो जब हार्ड वर्क किया है तो आप लोगों से थोड़ा सा इसके ऊपर रेटिंग लेना तो बनता ही है। और ये मैंने इस साइड को भी छान दिया है क्योंकि जब चपातियाँ बनाऊंगा तो उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है इसकी। और साथ कहता अब चलिए आप लोगों को मैं सब्जी, तो ये बनाई भाई मैंने मिक्स वेज, ये गोभी है, साथ के साथ मटर देख सकते हैं, आलू के पीसीज हैं। तो चलिए अब देखते हैं, वैसे तो अच्छी बनी है, बाकी अपने मुंह से क्यों तरफदारी करनी, जब वो लोग खाएंगे तो उस टाइम पे जो फाइनल रिजल्ट होगा उस टाइम पता चल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारा काम लगा हुआ है, तो रात के यहाँ पे 10 बज गए हैं और मम्मी पापा और बानू के पापा लगे हुए हैं गेहूँ की थ्रेशिंग करने में। तो ये काम हम लोगों ने है जल्दी ही निपटा लिया। अब की बार हमें उतनी ज़्यादा गेहूँ नहीं हुई जितनी पहले हुआ करती थी। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ हिमाचल में टाइम से बारिश भी नहीं हुई, अगर बारिश टाइम से हो जाती तो हमें बहुत ही ज़्यादा गेहूँ होती, लेकिन अब की बार कम ही गेहूँ हुई और जो गेहूँ अच्छी नहीं थी उसको हमने भैंस को चरा लिया था। तो इस तरह से देखिए ये है हमारी नई गेहूँ और जो भूसा है वो अलग अलग गिर रहा है और गेहूँ के दाने अलग। तो इस तरह से हमने अपने घर में जो हमारा गांव वाला घर था वहाँ पे सारी गेहूँ रख ली है और जो भूसा है उसको हमने सुबह उठाया था और फिर सुबह रखा। तो मैं और मम्मी जी गए हुए थे, फिर हम दोनों ने जल्दी जल्दी से भूसा बोरों में भरा और फिर बोरों में भर के हम लोगों ने घर भी लाए। तो ये देख सकते हैं आप टाइम भी कितना ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था यहाँ पे। तो आज ब्लॉग में ज़्यादा खास नहीं लेकर आ पाए, लेकिन जो एक किसान की रियल लाइफ है वो आप लोगों के साथ मुझे शेयर की है इस वाले ब्लॉग में। तो देखिए रात के तकरीबन 1:30-2 बजे बस गए हैं हमें नीचे गाँव में ही, और 1:30-2 बजे कौन अपने गाँव साइड में इस तरह से काम करता है। तो देखिए एक किसान को करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है किसान, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। और किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में, होटल में जब भी हम जाते हैं खाना ऑर्डर करते हैं तो उतना ही खाना ऑर्डर करें जितना खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है किसान अन्न को उगाने में। फिर ये सब घर को आ गए थे, हमारे ऊपर वाले घर को, और फिर मम्मी ने भैंस को फिर से एक बार चारा डाल दिया है क्योंकि इन बेचुवानों की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, आप सभी जानते ही हैं। तो जो भी इसने गोबर वगैरह किया हुआ था वो मम्मी ने साइड कर दिया ताकि ये पूरे रात आराम से यहाँ पे बैठ सके।
तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों ने जरूर पसंद किया होगा। तो अभी रात में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, फिर ये लोग ऊपर वाले घर को भी आ गए थे क्योंकि मैं और बानू बिल्कुल अकेली थी। तो गेहूँ की थ्रेसिंग से हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं, अब जो भी शादी के काम बचे हुए हैं वो हम कर लेंगे। अब एक बार फिर से पूरे घर की साफ़ सफाई होगी, घर पूरा का पूरा चकाचक कर लिया जाएगा और फिर शादी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी प्यारी YouTube फैमिली, शादी में ज़रूर आना। शादी का न्योता मैं बहुत ही जल्द देने वाली हूँ आप लोगों को, एक दो दिनों में। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी YouTube फैमिली को नहीं बुलाऊँगी, मैं ऑब्वियसली अपनी YouTube फैमिली को बुलवाऊँगी। आप लोग तो हमें हमारे लिए फर्स्ट हो, तो इसलिए आप हमारे मेरे देवर की शादी में ज़रूर आना और उनको ढेर सारा आशीर्वाद भी देना। तो करते हैं यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर। Thank you.